सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे का जो ट्रैक होता है उसका 1 किलोमीटर का जो प्राइस होता है वो कितना होता है। सो इसके लिए मैंने इसको दो कैटेगरीज में बांटा है, एक है लो स्पीड रेलवेज और एक है हाई स्पीड रेलवेज। इन दोनों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा जिससे आपको इजिली समझ में आ सके कि किस ट्रैक को बनाने में कितना ज़्यादा खर्च आता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो पहले बात करेंगे हम लो स्पीड रेलवेज की। तो लो स्पीड ट्रैक को अगर बनाने में खर्च की बात करें तो वो आता है 10 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ के बीच में। यानी 1 किलोमीटर ट्रैक को बनाने में 10 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ तक का खर्च आता है। वहीं अगर इतने ही ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो जिससे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उस पर रन कर सकें तो उसके लिए जो खर्च आता है वो आता है 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में। यानी कि अभी तक जो हमारा खर्च आ रहा था वो था 10 से 14 करोड़ के बीच में, लेकिन अब जो खर्च आएगा वो आएगा 14 से 15 करोड़ के बीच में। तो टोटल खर्च आएगा इतना। सो ये तो बात हो गई सिंगल ट्रैक की। अगर पैरेलल में हमें दो ट्रैक्स को लगवाना हो तो दो ट्रैक को लगवाने में जो खर्च आता है वो आता है 15 से 20 करोड़ के बीच में। अब आप सोचेंगे कि जब सिंगल ट्रैक को बनाने में 10 से 15 करोड़ के बीच में खर्च आ रहा था तो वहीं अब डबल ट्रैक को बनाने में 15 से 20 करोड़ के बीच में खर्च आ रहा है। मतलब कि अगर नॉर्मली कैलकुलेट करें तो एक ट्रैक के कंपैरिजन में दो का खर्च आना चाहिए 28 से 30 करोड़ के बीच में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो हमारा कम यूज होगा, इस वजह से जो हमें कॉस्ट है वो कम मिलेगी। तो जो पैरेलल में ट्रैक्स बिछाए जाएंगे उसमें जो है कॉस्ट कम आएगी। अब इसमें कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आती है? पहली चीज़, हर चीज़ को मेज़र करना होता है, उसका कॉस्ट, जो वहाँ पे स्टोन्स पड़े होते हैं उसका कॉस्ट, रेलवे ट्रैक का कॉस्ट, और जो वहाँ पे स्लीव्स लगी होती हैं इसका कॉस्ट, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सबका कॉस्ट मिला के जो है जो खर्च आता है वो आता है 10 से 15 करोड़ के बीच में। और इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट अलग। सो ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर रेलवे की, यानी कि ट्रैक हो गए, स्लीप्स हो गए, स्टोन्स की बात हमने कर ली। लेकिन रेलवे के जस्ट साइड में यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस के बाद रेलवे के जो वायर्स होते हैं वो भी वहाँ पे बिछे हुए होते हैं। तो सारा कॉस्ट मिलाने की बात की जा रही है यहाँ पे, ये टोटल खर्च की बात की जा रही है। ये आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ आपके ऊपर की बात की जाती है। ऐसा नहीं है जो रेलवे के नीचे के ट्रैक होते हैं वो, और साइड में जो बॉक्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेल काउंटर, उसका भी यूज करके उसका भी कॉस्ट का प्राइस निकाल के ये टोटल खर्च जो बताया जाता है वो आपको बताया जाता है 10 से 14 करोड़ के बीच में, इतना खर्च आता है ये सारी चीज़ों को मिला के। वहीं अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो मैंने बताया 1 से 1.5 करोड़ के बीच में खर्च आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन करने में। अब इलेक्ट्रिफिकेशन में स्पेशल टाइप के पोल्स हो गए, आपके वायर्स हो गए, रेजिस्टिव डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें यूज करके जो कंप्लीट ट्रैक किया जाता है तो इसका जो खर्च आता है वो हमारा आ जाता है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 10 से 15 करोड़ के बीच में। तो ये बात हो गई। अब वहीं अगर कोई ब्रिज आ गया बीच में या फिर कोई पहाड़ी आ गई तो उसके लिए वहाँ पे एक टनल बनानी पड़ेगी, और नदी या नाला आ गया तो उसके लिए ब्रिज तैयार करना पड़ेगा, तो उसका खर्च अलग आ जाए। तो फिर ये खर्च जो पहुँच जाता है वो 50 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्लेन समतल जगह की बात करूँ तो समतल जगह में जो खर्च आता है वो हमारा इतना ही आता है 10 से 15 करोड़ के बीच में। तो ये तो बात हो गई लो स्पीड रेलवेज की। अब हम बात करेंगे हाई स्पीड रेलवेज की। सो हाई स्पीड रेलवेज जैसे कि मेट्रोज हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, इन सब के जो ट्रैक्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पे जो स्लीव्स वगैरह होती हैं ये ऑलरेडी फिटेड होती हैं यहाँ पे, उसके ऊपर से भी उन्हें फिट किया जाता है ताकि वो डबल तरीके से फिट की जाती हैं। सो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है, पूरा सीमेंटेड एरिया होता है नीचे का। सो अगर मैं बात करूँ कॉस्ट कॉस्ट की हाई स्पीड रेलवेज की, तो हाई स्पीड रेलवेज में जो ट्रैक का खर्च आता है 1 किलोमीटर का वो होता है 80 से 100 करोड़ के बीच में। अब आप सोचिए ये 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ने से मतलब यही है कि वहाँ पे जो काम होता है वो पूरा स्पेशलाइज्ड होता है। वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं यानी स्टोन्स जो होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्या होते हैं, उनका जो साइज होता है वो मिनिमम होता है। मिनिमम होने से क्या फर्क पड़ता है कि जो हमारा फोर्स है वो ज़्यादा डिवाइड हो जाता है और रेलवे में जर्क नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक डिस्टर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फिक्स रहता है। सो यहाँ पे भी वही सारी सब चीज़ें होती हैं कि जो साइड में हमारा ट्रैक होगा, ट्रैक के वायर्स होंगे, वहाँ पे हमारा एक्सल काउंटर होगा, वहाँ पे एक्सल काउंटर स्पेशल एक्सल काउंटर होगा। यहाँ पे जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला एक्सल काउंटर होता है, लेकिन वहाँ पे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक का काउंटर होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है इस चीज़ में मैंने एक वीडियो बना रखा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ, तो आप वहाँ समझ लीजिएगा। पीजो इलेक्ट्रिक नॉर्मल सब समझ लीजिए कि एक फोर्स को काउंट करने वाला एलिमेंट है जो कि हमारा एक्सल काउंटर में यूज़ किया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्च आता है यानी हाई स्पीड रेलवेज का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्च आता है वो आता है 10 से 15 करोड़ के बीच में। अब ये भी 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे जो वायर लगा होगा हमारा OHE वायर वो बहुत स्ट्रांग लगा होगा और अच्छी क्वालिटी का लगा होता है। इस किस लिए लगा होता है, क्यों वहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो काफ़ी हाई होता है,
क्योंकि वहाँ 75 kV पे ट्रेन रन कर, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा हाई वोल्टेज होता है। और हाई वोल्टेज को कंज्यूम करने के लिए जो हमारा वायर है वो भी एडवांस क्वालिटी का होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन में 1 किलोमीटर में जो खर्च आता है हाई स्पीड रेलवेज का, वो आता है हमारा 10 से 15 करोड़ के। आपको पता भी होगा मुंबई से अहमदाबाद के लिए इस हाई स्पीड रेलवे पे काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। तो जब कम्प्लीट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फटाफट। और अगर बात करें पूरी कंट्री में, यानी कि अगर पूरी कंट्री में हमें हाई स्पीड रेलवेज को, पूरे ट्रैक्स को हाई स्पीड रेलवे में कन्वर्ट करना है, तो पहली चीज़ तो हमें पुराने रेलवेज को रेक्टिफाइड करना होगा, यानी उन सबको मॉडिफाइड करना होगा। और पूरे रेलवेज का, अगर हम पूरे रेलवेज जितना भी इंडिया के अंदर चल रहा है उस सबको हाई स्पीड में कन्वर्ट करना होगा, तो जो हमारा खर्च आएगा वो टोटल एवरेज अमाउंट अगर बोल के चलें तो 80,000 करोड़ के आसपास आएगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं कि ये ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जो हमारे ट्रैक्स हैं वो ऑलरेडी कहीं से टनल से कहीं ब्रिज से, तो यानी ब्रिज और टनल वगैरह कंप्लीट है, लेकिन उनको फिर भी हमें मेंटेन करना होगा, क्योंकि हाई स्पीड रेलवेज में वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे। अब वाइब्रेशंस की वजह से टनल पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे ब्रिज पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो भी गिर सकता है, तो ये सारी चीजें मॉडिफाइड करनी होगी, इसलिए इसका खर्च जो है बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकली वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं।